और अभी हम जा रहे हैं हनुमान टॉक गणेश टॉक की तरफ। और हनुमान टॉक गणेश टॉक काफ़ी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कभी कभी बर्फबारी होती है, हालांकि जो मेन गैंगटॉक है वहाँ पे तो बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन उसके जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी कभी कभी बर्फबारी होती है। और ये जो आप समय कहेंगे द बेस्ट टाइम टू विजिट एंड द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर गैंगटॉक एंड इट्स नियर बाई एरियाज, और बहुत खूबसूरत जगह है और ठंडी भी है। अभी ठंड लगभग मुझे लग रहा है 20 डिग्री के आसपास अभी यहाँ पे तापमान होगा आसपास इतना ही। और ये आपका व्यू कुछ ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये वाइट हॉल करके एक जगह है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, और आप समझ सकते हैं ऊंचाई देख के काफ़ी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और सिंगल लेन का जो रूट है। और ये देखिए जनाब, वाइट हॉल का एरिया है, लेट अस सी ये कैसे दिखाई देता है। अगर आप घूमना चाहते हैं, इसका आनंद लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है। ये यहाँ का वाइट हॉल, अच्छा ब्रिटिशर्स ने बनाया था वाइट मेमोरियल हॉल, तो ये बहुत अच्छी जगह। ब्रिटिशर्स का भी यहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन अभी भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, दार्जिलिंग में मिल जाएंगे आपको। और बहुत संकरी सड़कें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको सावधानी से चलानी होगी गाड़ियाँ, क्योंकि सिंगल लेन है और मोड़ भी काफ़ी तीखे हैं। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए हो पा रहा कि ताकि आप रास्तों के बारे में जान सकें, देख सकें और नेचर को फील कर सकें। अगर मैं तुरंत जस्ट डेस्टिनेशन में पहुंच के ही आपको दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि रास्ते कैसे हैं, किस तरह से जाना है और क्या क्या रास्ते में आपको देखने को मिल सकता है। इसके जो ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं ऊपर, वहाँ पे बर्फबारी होती है कभी कभी, हालांकि ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन ठंड तो यहाँ पे जी भर के पड़ती है बहुत। और जब भी आप यहाँ पे आएंगे सुबह शाम, अपने साथ वूलन जो क्लोथ्स होते हैं, गर्म गर्म कपड़े, वो साथ में लेके आए हैं अपने बैग में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप ज़्यादा अच्छे से सिक्किम गैंगटॉक को एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि दिन में अभी तापमान काफ़ी अच्छा है तो बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है। अभी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और थोड़ी सी ठंड बढ़ती जा रही है। तो जब भी आए यहाँ पे, जैसे ये नवंबर है, आज 16 तारीख है, आधा महीना हो चुका है, तो गर्म कपड़े तो बनते हैं बॉस, गर्म कपड़े लेके तो आना पड़ेगा आपको, नहीं तो अभी तो दिन में तापमान सही है, टेम्परेचर अच्छा है, तो आपको उतनी ठंड फील नहीं होगी। अभी देखिए नाथुला 49 किलोमीटर्स बता रहा है यहाँ से, और नाथुला दिसंबर और जनवरी फरवरी तक एकदम बर्फ़ से पटा रहता पूरा इलाका और पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ आर्मी के जो जवान हैं उनके अलावा फिर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। जब सीमा पे जवान है तो देश सुरक्षित है, आप ये मान के चलिए। और ये गणेश टॉक, हाँ पहले आप गणेश टॉक जाएंगे फिर हनुमान टॉक। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो अपने साथ भरपूर समय लेके आएँ। और ये पहुँच के जनाब हम गणेश टॉक, और यहाँ पे ऊपर मंदिर है। और अभी यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो काफ़ी कम, जिसे हम कहेंगे ये गणेश टॉक का मुख्य जो द्वार है, प्रवेश द्वार, ये यहाँ पे जाने का। और आसपास आपको छोटी सी दुकानें मिल जाएंगी, हालांकि यहाँ पे नॉर्मल जब डेज कोविड से पहले के जो दिनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पे, और आजकल यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कोविड के चक्कर में जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं,
तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं ऊपर गणेश स्टॉक की तरफ। जय हो। और ये हम गणेश स्टॉक के लिए निकल चुके हैं, मास्क हमने पहने हुए हैं। ये गंगटोक की ऊंचाई वाले इलाकों में से एक। तो दोस्तों आपको ये गंगटोक की ये सीरीज़ या आप ये कहेंगे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी कुछ गुंजाइश है कमेंट्री में सुधार करने की या वीडियो शूट करने की ज़रूर बताइएगा। आपकी जो सजेशंस रहेंगे वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो फीडबैक रहेगा आपका वो काफ़ी अच्छा रहेगा ताकि कुछ सुधार कर पाएँ। और हम चलो अंदर चलो आओ। और जय हो महाराज करो अंदर दे दो। चलो यहाँ पे दे दो थोड़ा थोड़ा ऊपर मत जाना ठीक है। जाओ 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 डालो वहीं बैठा दो बस डालो वहीं पर रखो रखो हाँ आ जा बैठा तू भी जा बाहर आ जा अब वहीं पे से ऊपर मत जाना है। प्रसाद ले छपाच चलो। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गणेश टॉक पे और गणेश टॉक से जो पूरा का पूरा व्यू जो गंगटोक सिटी का दिखाई देता है वो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से आप जब भी गंगटोक आएँ तो सबसे पहले जो शुरुआत करें वो यहाँ पे अपना भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के बाद अपने यात्रा का श्री गणेश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि माना जाता है श्री गणेश करना मतलब शुभ शुभ शुरुआत होना किसी चीज़ का, तो ये काफ़ी अच्छा आप पॉइंट यहाँ से गंगटोक का पूरा एकदम व्यू दिखाई देता हुआ यहाँ से। और सामने कुछ पहाड़ियाँ दिख रही हैं चोटियाँ दिख रही हैं कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की, लेकिन अभी थोड़े से बादल आ चुके हैं वहाँ पे तो जिसकी वजह से अभी यहाँ से वहाँ का व्यू क्लियर नहीं आ रहा है। और आप जानते हैं गोप्रो में जूम करने का कोई ऑप्शन होता नहीं है तो जूम तो नहीं हो सकता है। तो ये जो सामने कुछ बादल जो दिखाई दे रहे हैं उनके बीच कुछ ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, वो कंचनजंगा की पर्वत श्रेणियाँ हैं। और गंगटोक का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा बहुत शानदार व्यू सामने ये टीवी टावर दिखाई दे रहा है आपको। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं हनुमान टॉक के लिए। तो बेटा चले हम हनुमान टॉक के लिए चले चलो आ जाओ लेट्स गो। तो ये यहाँ की पार्किंग है जहाँ पर जनरली जब आप आएंगे तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और यहाँ की जो मैंने बताया आपके जो वेजिटेशन है जो हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशन होता है उस टाइप का मिलेगा क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई के जो एरिया है तो जहाँ ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़बारी होती है बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आती है आपको हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशन वो दिखना शुरू हो जाएगा।